भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा समेत देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। आज आधी रात को कृष्ण कन्हैया घर में जन्म लेंगे, लेकिन ब्रज में कान्हा के जन्म उत्सव के कार्यक्रम सोमवार सुबह से ही शुरू हो गया है। वृंदावन के राधा रमन मंदिर में सुबह वैदिक मंचोच्चारण के बीच सेवातों ने ठाकुर जी का पूजन किया। राधा रमन मंदिर में सेवातों ने औषधियों से निर्मित पंचमृत से ठाकुर जी का अभिषेक किया। पंचामृत में मधुर दूध, दही, शहद और बूरा के साथ जड़ी बूटियों का भी प्रयोग किया गया। प्राचीन साजी मंदिर में सेवात गोस्वामियों ने ठाकुर जी का महाअभिषेक दूध, दही, शहद, बूरा, इत्र से किया। इस दौरान मंदिर परिसर ठाकुर जी के जयकारों से गुंजायमान हो गया। वहीं सक्षम न्यूज इंडिया के वृंदावन संवाददाता शुभम गुप्ता ने मंदिर के सेवात और श्रद्धालुओं से खास मुलाकात की। इस दौरान क्या कुछ कहना था, देखिए यह खास रिपोर्ट मथुरा से। इस समय कान्हा की नगरी श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की लहर है। यहाँ पर काफी दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। देख सकते हैं दो साल तक कोरोना के कारण यहाँ पे श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर सकते थे और उनके जन्मोत्सव की बधाइयां नहीं मना सकते, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन नहीं है और उसके चलते सभी मंदिरों में जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम वृंदावन के राधा रमण मंदिर में आए हैं, जहां पर कुछ ही देर पहले राधा रमण भगवान का चिंडामत से अभिषेक हुआ। वही हमारे साथ मौजूद है मंदिर के सेवायत, उनसे जानकारी करेंगे किस तरीके से इस बार कोरोना गाइडलाइन नहीं है, उसके बाद किस तरीके से श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और किस तरीके से मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जाता है। आई जानकारी सबसे पहले सभी दर्शकों को भाई दिवस से राधे राधे और बहुत बहुत बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज ठाकुर जी की अद्भुत कृपा से हम सभी को ये सुंदर सौभाग्य मिला कि जन्माष्टमी का अद्भुत अवसर हम सभी यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। और ब्रज में तो ठाकुर जी का अद्भुत उत्सव मनता ही है और विशेष रूप से हमारे राधा रमण मंदिर में तो स्वयं प्रकट श्री राधा रमण लाल जी महाराज, जहाँ 500 सालों से ठाकुर जी की दिव्य रूप से आराधना हो रही है और स्वयं प्रकट ठाकुर जी का दिव्य रूप से उत्सव यहाँ पर मन रहा है। और आज विशेष रूप से यहाँ पर ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक हुआ, जो कि पूरे विश्व में अद्वितीय है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अभिषेक हमारे श्री राधा रमण मंदिर में ही होता है। दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक होता है और सब भक्तों को वो पंचामृत वितरित किया जाता है। कोरोना काल में भी पूरे मंदिर मैनेजमेंट का पूरा प्रयास रहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सब भक्तों को दर्शन मिले और सब भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा परिवर्षित हो। तो बहुत सुंदर अद्भुत तरीके से ठाकुर जी का दिव्य रूप से पंचामृत से अभिषेक हुआ। सब भक्त खूब आनंद ले रहे हैं और सभी को बारम्बार बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरीके से अभी गोस्वामी जी ने बताया किस तरीके से मंदिर में चंडामृत से भगवान जी का अभिषेक हुआ और भक्तों ने उसका आनंद उठाया, वहीं यहाँ पर काफी दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे जानकारी करेंगे किस तरीके से उन्होंने दर्शन किए और इस बार आए हैं कोरोना के बाद वो तो उन्हें कैसा अनुभव जी। माता जी आपका नाम? धन्यवाद जी। कहाँ से आएंगे आप? आज आपने कोरोना के बाद आप आए, कोरोना काल था 2 साल से, लाला के जन्मोत्सव की बधाइयाँ नहीं आ सकते थे, नहीं उनके यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, आज आप वृंदावन आए, कैसा लग रहा है लाला के जन्मोत्सव में आप शामिल? बहुत अच्छा लग रहा है और अभिषेक के दर्शन किए जी के, राधा रमन जी के, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हम कोरोना काल में भी नहीं रुके थे, हम आते रहते थे, मैं तो आती रही, मैं नहीं रुकी, क्योंकि मेरे बिहारी जी के दर्शन में नहीं रह सकती। और बहुत ही आनंद ज़्यादा आया और बहुत ही सारा मंदिर में सुविधाएँ हैं, उन्होंने किया हुआ है, सैनिटाइजेशन का हो गया है, मंदिर धो के लिए सारा कुछ करता हूँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत खुशी हमें सबको, बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी। जय जय श्री राम। वहीं यहाँ पे और भी श्रद्धालु, उनसे जानकारी करेंगे वो कैसा लगा उन्हें इस बार। जी, क्या कहा? कहाँ से आए हैं?
जलंधर से पंजाब से। लाला के जन्मोत्सव की जन्मोत्सव की अभिषेक देखा, जन्मोत्सव की बधाई खाई, कैसा लगा आपको? अभिषेक देख के जो आनंद आता है ना, उस आनंद को बयान करना ही मुश्किल है। जैसे जैसे वो पहले दिन से अभिषेक होता है, दही से, शहद से, केसर से, नारियल पानी से, वो राधा रमन जी का जो अलग अलग रूप होता है, कभी सफेद हो जाते हैं, काले से लगते हैं, कभी गोल्डन और कभी पीले, और वो देख के इतना आनंद आता है ना कि वो इस जो जन्माष्टमी का जो उत्सव है, उस आनंद को बयान करना ही मुश्किल है। एक अजीब सा सुकून मिलता है, हमें लगता है ठाकुर जी जैसे हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं और हमें यहाँ पर पहुँचना है बस। हर साल जन्माष्टमी पर इसी तरह आते रहे। पिछली बार आ नहीं पाए तो हमें बहुत ज़्यादा मना था, जो कि इस बार ठाकुर जी ने अच्छे दर्शन देखे बुलाया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।